इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या एसेसरीज लगवा रखी हैं। हेलो गाइस, दिस इज विनय फ्रॉम इन्फोइंस्टा और आज हम बात करने वाले हैं मेरी R15 V3 की। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट करके एक नाम बताइएगा, क्योंकि मुझे इसका एक नाम रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे एसेसरीज़ की। तो गाइस, ये जो है ये है पार्ट वन। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या एसेसरीज लगवा रखी हैं। पार्ट वन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन होनी है और हो सकता है कुछ चीज़ें हट जाएँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ये सही टाइम है कि मैं शूट करूं। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। देन अब हम शुरू करते हैं फ्रंट से। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टिकर लगवा रखा है अपने यूट्यूब चैनल का। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है विंडस्क्रीन टिंट करा रखी है। विंडस्क्रीन जो है वो मैंने टिंट कराई थी क्योंकि ये जो है विजिबल नहीं होगा अगर ये टिंट नहीं होगा। देन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है एडजस्टेबल लीवर्स, जो कि ब्रेक पर भी है और क्लच पर भी है। इनका फायदा ये होता है कि आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, साथ में फोल्डेबल हैं, प्लस बाइक के साथ मैच कर जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी लुक आती है इसके साथ। आप देख सकते हैं कि क्लच भी जो है वो फोल्डेबल और एडजस्टेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ों की जो है मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलते रहेंगे। देन इसके बाद अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास आता है ये मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर की कैप। ये जो पहले जो यहाँ पर कैप होती है वो होती है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर बड़ा नहीं क्या लिखा होता है, तो मैंने इसको चेंज करा दी है क्योंकि ये लुक थोड़ा इसके साथ अच्छी आती है। देन आगे हम आते हैं तो हमारे पास आता है एलईडी इंडिकेटर। एलईडी इंडिकेटर मैंने चेंज कराए थे क्योंकि ये जो है एक पतली सी लुक देते हैं, प्लस ये काफ़ी ब्राइट भी हैं, इनके ऊपर भी वीडियो है तो वो भी जाके देख लेना। प्लस एक और चीज़ ये है कि मैंने ये इसलिए लगवाए थे क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो इसके साथ इंडिकेटर आते हैं वो काफ़ी बल्की लगते हैं और काफ़ी आउटडेटेड लगते हैं, तो इसलिए ये भी चेंज हुए थे। प्लस इसके साथ अगर हम आगे बात करें तो ये मैंने फ्रेम स्लाइडर लगाए थे। मैंने आपसे जैसे कहा था कि कुछ चीज़ें हट जाएंगी, तो ऐसे ही मैंने एक पहले भी फ्रेम स्लाइडर लगाया था, वो हट गया क्योंकि वो मेरे ड्रॉप टेस्ट में फेल हो गया था। तो अब ये वाला फ्रेम स्लाइडर जो है वो पास था मेरे ड्रॉप टेस्ट में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, जाके वो देख लेना। ये भी सेवे से है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगा हुआ है। इसके बाद अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास आते हैं ये टैंक पैड, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने साइड के पैड लगा रखे हैं। होता क्या है, जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो बॉडी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है क्योंकि कमिटेड राइडिंग पोजिशन है, तो ये जो पैड हैं ये आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं। आप यहाँ पर ग्रिप कर सकते हैं और आप फिसलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है जब पीछे पिलियन बैठा होता है क्योंकि उसका भी वेट आपके ऊपर आता है, तो ये आपको स्लिप नहीं होने देते। आप देख सकते हैं थोड़ा सा निकल रहा है, इसको जुगाड़ कर देंगे। तो ये जो है इसके तीन फायदे हैं। पहली बात, ये आपको स्क्रैच से बचाएगा। दूसरी बात जो है, आपको अच्छी सी पकड़ दिलवाएगा यहाँ पर, प्लस थोड़ा सा लुक और अच्छी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैंक पैड मैंने लगा रखा है ताकि स्क्रैचेस ना आए। हालांकि ये टैंक पैड ख़राब हो चुका है, आप सोच सकते हैं कि अगर ये टैंक पैड ना लगा होता तो मेरे टैंक की क्या हालत होती। और थोड़ा सा आगे आए तो आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी ब्यूटीफुल सा एक्रापोविक लगा रखा है। ये कस्टम एग्जॉस्ट है फुल बैंड पाइप के साथ। मेरे पास तीन एग्जॉस्ट हैं, SC प्रोजेक्ट इंडियन वाला, SC प्रोजेक्ट इम्पोर्टेड, देन एक्रापोविक। इनकी वीडियोस भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ये जो है वो सबसे बेस्ट एग्जॉस्ट है अभी तक का जो मैंने लगाया है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ तो आप देख सकते हैं कि हमने लगाया है स्पूल, अगेन सेम कलर का। एक और चीज़ रह गई थी कि एक्रापोविक में मैंने कैटेलिक कन्वर्टर भी लगा रखा है, जिसकी वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले आई है। देन हम बात करते हैं वही दोबारा से इंडिकेटर, यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब का स्टिकर। देन इस प्लेट को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थे पहले जो स्क्रूज थे वो यहाँ पर थे, अब स्क्रूज यहाँ पर हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शायद इनको भी हटा दूँ तो वो आपको अगली वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। सो
ये थी मेरी अभी तक की जो मॉडिफिकेशंस। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या क्या देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना और इसको शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर सारी एसेसरीज़ जो फ्यूचर में आने वाली है वो मैं डालता रहता हूँ। सो दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो आप, होता क्या है क्योंकि ये फ्रंट हैवी बाइक है और कमिटेड राइडिंग पोजीशन है तो स्लिप हो जाती है बाइक। अबे बाइक नहीं स्लिप होती यार। अरे पालक मूली तो चला जाए पहले। अब ये चीज़ें कट करने में आती है ना।